हेलो भाइयो, मैं हूँ मोहम्मद आजम। तो भाई आज हम बात करेंगे रेलेंट क्विड हमारी 1 लीटर के साथ में आएगी ऑटोमेटिक में, RXT वेरिएंट है 999 cc का, जिसमें इंजन आता ही है। अगर भाई इसकी इंजन BHP वगैरह की बात करें तो जो जनरेट करेगा हमारा 76 BHP 900 Nm का टॉर्क। बाकी भाई गाड़ी की बात करते हैं हम, 2020 मॉडल हमारी, हमें पड़ जाएगी अपने मारुति ट्रू वैल्यू मिनी बाईपास लांकड़ी रोड पर। बाकी यहाँ की डिस्क्रिप्शन में डीलरशिप के नंबर मिल जाएंगे, आप कुछ भी जानकारी वगैरह लेना चाहो तो। आपको दिखा देता हूँ भाई, टॉप वेरिएंट है, इससे ऊपर इसका कोई वेरिएंट नहीं आता ऑटोमेटिक में भी। RXT 1 लीटर वाला है ये भाई। जो इसका प्राइस रहेगा वो हमारा समथिंग रहेगा इसमें, यहाँ पे ट्रू वैल्यू आपको दे देगा निकाल के 385,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी यहाँ से। बाकी आप टॉप वेरियंट की पहचान देख सकते हैं, जो रियर बम्पर आता है भाई इसमें आपको 3 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 1, 2, 3। बाकी यहाँ पर भी थोड़ी टचेस दी गई है हमारी इस कलर में, ऑरेंज वगैरह रिफ्लेक्टर इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भाई एक ठीक है हैचबैक के हिसाब से, सोकर सस्पेंशन वगैरह आप देख सकते हैं नॉर्मल से ही हम कह सकते हैं, ज़्यादा हाइप नहीं कर सकते। अलाउ व्हील के साथ में तो नहीं आएगा बट भाई स्टील रिम ही आएगा, लेकिन लग हमारा अलाउ व्हील रहा भाई। गाड़ी की अगर आज की प्रेजेंट में जो कीमत चल रही है उसकी बात करता हूँ तो समथिंग हमें 6-7 लाख की अपने मुरादाबाद से ऑन रोड पड़ जाती है भाई। इतनी महंगी गाड़ी होगी, जब ये लॉन्च हुई थी तो समथिंग 3-3.5 लाख की आई थी, तो इसे 3 नट वाली 3 लाख वाली गाड़ी से कहा करते थे। अब भी कंपनी ने भाई, अब तो इसके पैसे दुगने हो गए, 3 लाख से सीधे 7 लाख पे पहुंच गए, फिर भी कंपनी ने 3 नट अपने ख़त्म नहीं करे, ये नट आज भी इसके सेम है। बाकी आप गाड़ी की पूरी कंडीशन देख सकते हैं भाई। जो इसका कलर है कैमरे में हमारा ब्लू लग रहा है, बट ये ब्लू नहीं है, हल्का ग्रीन टाइप का कलर है। आप यहाँ पर तो इसमें नोटिस कर सकते हैं, ये धूप में कलर रंग बदल रहा है अपने, ब्लू लग रहा है बट है नहीं ब्लू। कैलिवर की बैसिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, साइड मिरर जो वो हमारे ऑरेंज आएंगे और थोड़ी रूफ रेल्स में ऑरेंज टचिस आ जाएगी। बाकी पूरा आपको रब ब्लैक मिलेगा, ये सब रब ब्लैक मिलेगा। डोर हैंडल की बात करूँ, कोई भी बॉडी कलर वगैरह नहीं आते, रब ब्लैक के साथ में मिलेंगे भाई। जो इसका टायर रहेगा उसकी प्रोफाइल सीएट का टायर रहेगा, जिसमें रहेगा 165/70 और 14 इंच का टायर, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक के साथ में आएगी। बाकी भाई कंडीशन जैसे 20 मॉडल है काफ़ी अच्छी है, फेंडर पर इंडिकेटर आता है, DRL वगैरह तो सब मिल ही जाएंगी इसमें आपको देखने के लिए। फ्रंट से कुछ ऐसी प्रोफाइल मिलेगी जिसमें आपको यहाँ पर DRL भी मिल जाएगी, हेलोजन बल्ब के साथ में इंडिकेटर आएगा भाई। आज के टाइम में भी इतनी महंगी होने के बाद भी देखो लट्टू सा बल्ब अलग ही चमक रहा है, यहाँ भी आप देखो तो। अब तो हर कंपनी अपनी LED पर आ गई है बट ये अब भी हेलोजन पर जी रही है। स्क्रिप्ट प्लेट कुछ इतनी मिली जाएगी, यहाँ पर भी ऑरेंज की टचेस मिलेगी, थोड़ी लाइट के और पास मिलेगी। ग्रिल की बात करूँ भाई ऐसी नॉर्मल सी आएगी, लोगो सेम चलता आ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, एक हैचबैक के हिसाब से काफ़ी छोटी नन्ही सी। की बात करूं भाई, दो की आती हैं, एक में कुछ नहीं मिलेगा, एक में मिल जाएंगे खाली लॉक अनलॉक के बटन, और कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए। बाकी पूरी कंडीशन है ही, चलो अंदर से और दिखाता हूं। इसमें ऑटोमेटिक जो है वो कंपनी कैसा देती है, लेकिन उससे पहले बूट की कंडीशन दिखा देता हूं भाई। कैमरा वगैरह इसमें आपको देखने के लिए सब मिलेगा, क्विड का जहाँ लोगो है वहीं पर इसमें आपको कैमरा भी मिल जाएगा। बाकी स्पीकर वगैरह पार्सल ट्रे में किसी भाई ने लगवा रखे हैं, जिसकी भी थी गाड़ी ये फिर पूरी देखो लचक गई, आप यहाँ से देखो कैसे गुलाई में हो चुकी है। बाकी भाई स्पीकर भी कंपनी के तो हैं, लेकिन बूट स्पेस ठीक है, फिट एंड फिनिश क्विड की आप देख सकते हैं रेलेंट की। क्योंकि भाई आप खुद सोचो 20 मॉडल गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 3,60,000 में यहाँ पे बेची गई है, जो 7 लाख की गाड़ी यानी आधे पैसों में, तो कंपनी कैसी आफ्टर सेल सर्विस कितना घटिया है इसका। बाकी बूट भी ज़्यादा खास नहीं है, चलते हैं चलो अंदर, रिफ्लेक्टर मिलेगा और कुछ नहीं आएगा अंदर से। जो भाई रहेगी गाड़ी हमारी पूरी में जैसी मिल जाएगी। बाकी भाई रेलेंट यहाँ पे हमारा स्वागत कर देता है, इसके म्यूजिक सिस्टम या इंफोटेनमेंट कुछ भी कम है, इसमें आपको सिर्फ एंड्रॉइड ऑटो मिलेगा, एप्पल कारप्ले नहीं मिलेगा। क्योंकि रेलेंट को पता है जो भी इस गाड़ी को ऑन करेगा वो बंदा नॉर्मल गाँव का देहात का होगा, इसलिए इसमें एप्पल कारप्ले नहीं देता, ओनली ऑन एंड्रॉइड ऑटो मिल जाएगा भाई। स्टेयरिंग की बात करूँ सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही एयरबैग मिलेंगे, ड्राइवर साइड गो पैसेंजर साइड। बाकी स्टेयरिंग पर लोगो तो ये इतना बड़ा सा सब में मेंशन करता ही है, डी कट में कुछ में ही मिलेगा, ना ही इसमें कोई कंट्रोल वगैरह मिलेंगे, ना ही टिल या टेलीस्कोप होगा। मीटर की भाई बात करूँ भाई, बाकी भाई किलोमीटर की अगर बात करता हूँ 20,691 में हमारी गाड़ी ड्राइव हो चुकी है। मीटर जो है RPM इधर आपको सोता है, स्पीड यहाँ हो जाती है, पूरा आपको डिजिटल हम इसे कह सकते हैं, इसमें कोई भी डंडी वगैरह नहीं है, लेकिन आज के टाइम में वो प्रीमियम नेस हो जाती है, वो अच्छा लगता है भाई। ये देखो आप, ये जो मिलेगा इसमें आज के टाइम में, जैसे हम देखते हैं EV कार्स में थोड़ी जो हमारी बाहर की विदेशी अदर कंट्री की कार होती है उसमें चीज़ देखने को मिलती है, बट इसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो गाड़ी रिवर्स में हमारी लग चुकी है, जैसे मैं हमारा ब्रेक दबाऊंगा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बट कैमरा अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ भाई, डी कर दिया ड्राइव वहाँ पर बताने लगा
सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको तीन ही मोड देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा, ऑक्स और यूएसबी आप यहीं पर लगा के अपना म्यूजिक सिस्टम में गाने सुन सकते हैं। यहाँ बात करता हूँ भाई, थोड़ा स्पेस है, ये थोड़ा बहुत यहाँ मिलेगा। हैंड ब्रेक कुछ इसमें आपको ऐसा मिलेगा, सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह तो सब आता ही है। भी आपको देखो ऐसी डंडी सी मिल जाएंगी। ग्लव बॉक्स जो है भाई वो पूरा लॉक हुआ पड़ा, छोड़ो इसे, ये कुछ भी ऑटो डिविंग वगैरह कुछ नहीं आएगा। रूफ में भी वाइट एलईडी मिलेगी। इधर बात करता हूँ, इधर भी कुछ नहीं है, इधर बात करता हूँ, इधर भी कुछ नहीं है भाई। भाई इसमें यहाँ पे आपको फ्रंट की विंडो इधर दोनों मिल जाएंगी। रियर की अगर बात करता हूँ भाई, तो इसमें रियर में आपको अभी रियर में चल के दिखाता हूँ। यहाँ से आप इसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बटन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेटिंग में जैसे ही हम बढ़ते हैं डिस्प्ले वगैरह सिस्टम में जैसे ही हम जाएंगे, तो यहाँ पर आप कनेक्टिंग में देखते हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा जो भी आपको कनेक्ट करना हो वगैरह वगैरह। यहाँ पर आप इसका पूरा टाइम वगैरह इसका वर्जन देख सकते हैं। दूसरी चीज़ में आपको लैंग्वेज का ऑप्शन चलो मिल जाएगा, जैसे कि आने अब दिया है इसमें भी चलो आता है। यहाँ पर आपको वॉइस के लिए मिल जाएगा, वॉइस वगैरह जवानी हो ब्लूटूथ। वाइपर के कंट्रोल ऐसे मिलते हैं, हेडलाइट के इसमें ऐसे मिल जाते हैं। भाई ये जो ऑरेंज कलर है यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा मेंशन करा है कंपनी ने, चलो एक बार रियर से दिखाता हूँ भाई। दूसरी चीज़ आप नोटिस करो, पहले डोर पे कहीं से कहीं तक स्पीकर तलक नहीं है इस गाड़ी में आज के टाइम में। भाई 2020 में कंपनी कहाँ जी रही है, ऐसा हमारे मध्य टाइम की हम पल्टो उसमें यहाँ स्पीकर आता है, वही आज भी इसमें भी स्पीकर ऐसा ही दिया है। जो भाई पहले से जुड़ना है वो और वीडियो में देख सकते हैं, हमने कर रखा अपने अल्टो का भी रिव्यू। बाकी यहाँ पे थोड़ा क्रोम का काम भाई मिलता ही है। चलो सेकंड डोर से और दिखा देता हूँ इसमें कैसा क्या है। पेट्रोल वगैरह यहीं से फिलिंग हुआ। माइलेज की बात करूँ भाई, वही निकाल देती है अल्टो के मुकाबले माइलेज। सीट की जो क्वालिटी या कवर है वो किसी ने लेदर रैप सीट कवर इसमें लगवा रखे हैं, कंपनी से नहीं आते हैं ऐसे, क्योंकि किसी भाई ने मैचिंग करवाई है। देखो उस पर भी आपको ऑरेंज टचेस मिलेगी, ये भी ऑरेंज मिल जाएगी। यहाँ बात करूँ भाई पावर विंडो रियर में हमें यहीं पे देखने के लिए मिलेगी, फ्रंट की आपको डैशबोर्ड में मिल जाएगी, बट रियर की हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। सेकंड रो में कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह नहीं आते, ना ही इसमें सेकंड जो रियर के डोर हैं इसमें भी आपको कहीं स्पीकर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओनली ऑन फ्रंट डैशबोर्ड पे मिल जाता है। या रियर में भाई ने लगवा रखे हैं, अब मैं समझ में आया भाई ने क्यों लगवाए, क्योंकि उन दो से क्या साउंड बन रही है और सिर में दर्द और कर देते हैं, क्योंकि वहाँ बजता है भाई वो, फिर वहाँ से आवाज़ टकराती है हमारे किस पे, ग्लास पे, ग्लास से हमारी आवाज़ टकरा आती है कान में, तो कान फटने का डर रह जाता है। ग्रिप हैंडल ऐसे भाई काफ़ी छोटा छोटा फील हो रहा है इस गाड़ी में बैठ कर। एक बार बाहर से और लुक दिखा देता हूँ ऑटोमेटिक के। भाई कलर इसका नॉर्मल हमारे कैमरे में नोटिस नहीं हो पा रहा है, बट जो कलर है अच्छा लग रहा है, लेकिन खुद ही देखें इसमें ब्लू टाइप लग रहा है। यहाँ पर आपको R1 सब में देखने के लिए मिल जाएगी। तो यही था भाई इस वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।